हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज फूड। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मार्केट जैसा एकदम वाइट कोकोनट पाउडर बनाएं। कोकोनट पाउडर का यूज़ काफ़ी सारी मिठाइयों में किया जाता है, लेकिन अब हम इसको घर पर ही एकदम वाइट आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सूखा नारियल, और इसको अब क्या करना है, एक बड़े बर्तन में रख करके पानी से पूरा ऊपर तक भर देंगे नारियल को। जो नारियल का वेट होता है वो हल्का हो जाता है, इसलिए वो पानी में तैरता है। लेकिन हमें क्या करना है कि ऊपर से हम इसको ढक देंगे ताकि जो नारियल है वो पानी में अच्छे से डूब जाए, पानी में एकदम दबा रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से प्लेट रख देंगे और इसके ऊपर एक कोई हैवी चीज़ रख देंगे, भारी चीज़ रख देंगे, ताकि जो पानी में नारियल एकदम भीगा रहे। तो इसको हम 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो 1 घंटा हो गया है, मैंने नारियल को पानी में भिगो के रखा हुआ था, अब इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए जो नारियल है वो हल्का सा, देखिए जो पानी का कलर है येलो हो गया है, और हल्की सी चिकनाई भी है पानी में थोड़ी सी। तो 1 घंटे के लिए भिगोया था, अब इस पानी को हम हटा देंगे और नारियल को अच्छे से पहले पोंछ लेंगे। अब हम इस नारियल को पीसेस में कट कर लेंगे। पहले हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जो नारियल के ऊपर की जो स्किन है पानी में भिगोने के बाद वो हल्की सी नरम हो जाती है। जो नारियल है वैसे काफ़ी सख्त होता है, उसकी स्किन है वो भी काफ़ी सख्त होती है, जब हम इसको छीलते हैं तो वो आसानी से नहीं छीलता है, तो और स्लिप भी हो जाता है इस तरह से हम अगर इसमें छीलने लगते हैं तो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको चाकू से कट कर लेंगे। पहले हम इसको 2 भागों में काटेंगे और इस तरह से फिर इसके बाद लंबी लंबी इसकी स्लाइस हम कट कर लेंगे। तो ये नारियल है, ये हार्ट शेप का नारियल है जो काफी लकी माना जाता है, काफी अच्छा होता है। तो एकदम ऐसे एक कटोरी जैसा हो गया है, इसमें हम खाना भी वैसे परोस सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन अब हम इसको इस तरह से लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लेंगे। तो मैंने सूखे नारियल को 8 भागों में डिवाइड कर लिया है, अब इसको छीलने में आसानी होगी। तो या तो फिर आप एक चाकू ले लीजिए, शार्प चाकू, उससे आप इनको छील लीजिए, या फिर मैं इसको छीलने वाले जो चाकू आते हैं उसकी हेल्प से छील लूँगी। बड़ी ही आसानी से छिल जाता है, क्योंकि जो इसकी स्किन है नारियल की वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। और अगर आपको बोरिंग लगता है कि इसको कौन छीले, तो आप ऐसे कीजिए, टीवी के आगे बैठ जाइए, अपना पसंदीदा प्रोग्राम लगाइए और आराम से छीलते रहिए, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। वैसे इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से छिल जाएगा। तो ये एक नारियल मैंने छील दिया है, अब बाकी के भी छील देती हूँ। घर पर बना हुआ कोकोनट पाउडर होता है वो मार्केट के कोकोनट पाउडर से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो मार्केट से मिलता है वो एकदम ड्राई होता है, उसमें ज़्यादा खुशबू भी नहीं आती है। लेकिन हम जब घर पे बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है नारियल पाउडर से, और काफ़ी अच्छा भी होता है, इसके अंदर ऑयल भी होता है। लेकिन मार्केट का पाउडर एकदम सूखा सूखा सा होता है। तो आप ट्राई करें और आपको जो फ़र्क लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नारियल के जितने भी पीसेस मैंने कट किए थे उनको मैंने अच्छे से उसकी स्किन को छील दिया है, नारियल एकदम साफ हो गया है। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाना बेहद ही आसान है, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप इस तरह के कद्दूकस से बारीक साइड से इसको कद्दूकस कर लीजिए, एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा। या फिर आप कद्दूकस करना भी आपको झंझट लगता है तो आप पहले जो मैंने नारियल के पीसेस कट किए हुए हैं इनको और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। ऐसे ही मैं पाउडर बनाती हूँ, बड़ी ही आसानी से बन जाता है, क्योंकि कद्दूकस करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नारियल को पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ
और उसके बाद हम इसको मिक्सर में बारीक पाउडर पीस लेंगे। पहले इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। और कल जन्माष्टमी है, आप भी एक बार इस तरीके से जो भी आप कोकोनट की बर्फी बनाना चाहो, लड्डू बनाना चाहो, और भी कोई मिठाई बनाना चाहो तो इस तरीके से बनाकर देखें। मिठाइयाँ बेहद ही टेस्टी तो लगती ही हैं, पर देखने में भी बेहद ही अच्छी लगेंगी, क्योंकि जो इसकी स्किन है कोकोनट की, उससे जो हम जो भी मिठाइयाँ बनाते हैं वो काली काली बनती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं देखने में। लेकिन इस तरह से बनाने पर सारी मिठाइयाँ बेहद ही अच्छी लगती हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी। माना कि थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन सब्र का फल भी मीठा ही होता है। तो ऐसे ही आपके सब्र का फल भी मीठा ही होगा, थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा स्वाद। तो सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में मैंने नारियल को कट कर लिया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। मिक्सर जार में मैंने इनको डाल दिया है, अब इनको पीस लेंगे। तो कोकोनट पाउडर अच्छे से पीस चुका है, ये आपके ऊपर है आप इसको कितना बारीक पीसना चाहते हो। मैंने इसको हल्का दरदरा सा पीसा है, ये देखिए इस तरह से, और एकदम अच्छा वाइट कोकोनट पाउडर बनकर के तैयार हो गया है। और इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। लेकिन आप जब भी मार्केट से कोकोनट पाउडर खरीदते होंगे तो उसमें आप देखोगे कि उतनी ऑयल, उसमें जो कोकोनट का ऑयल होता है वो नहीं होता है, काफ़ी सूखा सूखा सा होता है। लेकिन इसमें जो हम घर पे जो कोकोनट पाउडर बनाते हैं उसमें काफ़ी अच्छा स्मेल भी आती है, और इसमें इसका जो ऑयल है वो भी होता है, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कोकोनट में होते हैं। लेकिन मार्केट से उसका तेल निकालने के बाद कोकोनट का, उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है जो इतना हेल्दी नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो और ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें विद बेल आइकन। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।